ये कहानी है मेरी माँ की। इसका हर एक शब्द बिल्कुल सच है। शायद तुम हंसो अगर मैं ये कहूँ कि ये कहानी थी बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह, पर ये जरूरी नहीं कि ये सच हो। मेरा मतलब, कैसे हो सकता है? उस समय मेरी माँ टोक्यो की नेशनल यूनिवर्सिटी में एक आम स्टूडेंट थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। पहले 5 लोग थे और उससे 2, कुछ परिवार अमीर हैं और कुछ गरीब, और कुछ जिनके पास घर है वो जगह जहाँ से मैं आया हूँ। तुम चाहो तो मैं भी वहाँ की होना चाहती हूँ। हाँ ना? हाँ। कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मेरी माँ हमेशा से जानती थी कि ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, और उनमें से एक होना बहुत ही मुश्किल है। माँ ने मुझे जन्म दिया एक छोटी सी जगह पर, जिसे वो घर कहती थी। जब मैं इस दुनिया में आई तो बाहर बर्फ पड़ रही थी, और कुछ सालों बाद बसंत के महीने में मेरा भाई इस दुनिया में आया। तुम्हारे डैडी बहुत ही खास थे। तुम इनमें से एक ही बन सकते हो, या तो कोई इंसान या कोई वुल्फ। काश मेरे पास भी कोई ऐसी चॉइस होती। ये हमारा नया घर है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आखिरी हो। एमी, तुम्हें क्या हुआ? ये तो बच्चा है। अगर कोई लड़का मुझे परेशान करता तो मैं उसे छोड़ती नहीं। तो क्या उसे मारोगी? हाँ, मैं उसे पीटना शुरू कर दूंगी जब तक उसे ये नहीं। ऐसा लगता है काफी साल बीत गए, पर उन्होंने कहा कि वो समय कोई जादू नहीं था और ना ही कोई फेरी टेल, पर शायद माँ के लिए वो हमेशा से थी।